प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को आवास देने की पहल कर रही है, मगर यही आवास योजना महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए पिछले एक साल से मुसीबत का सबब बन गई है। आपको बता दें कि हितग्राहियों के लिए पहली किस्त मिलने से वो अपने पुराने झोंपड़े तोड़कर उन्हें बनाने का काम करने लगे, मगर दूसरी किस्त नहीं आने से वो मकान अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे गरीब लोग झोंपड़ों में रहने को मजबूर हैं। 8 महीना हो गए धान में रहा और रह जगह नहीं है, तो हमारा 12 महीना छोड़े दे दी, ओकर हमें पैसा आवा नहीं, पहली किस्त भर मिले है तो हम अभी यह नहीं करे हैं, पैसा तो नहीं है तो काला से उठा घर में 25,000 दे है पैसा और 8 महीना हो गए बुला दे सरकार हमला बहुत तकलीफ होगा थी यहाँ रहने में, हमारा पैसा है जल्दी आती से बनाते हैं कि देख रेख बरसात लगने वाला है। कहाँ रहते हो अभी आप? भवन में, ग्राम भवन में। 9,200 ऐसे आवास हैं जो स्वीकृत हैं और 8,761 ऐसे हैं जिसमें प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी मकान हैं जल्द से जल्द पूरा करें, 6 महीने के अंदर हम उनको पूरा प्रयास करते हैं कि पूरा करा सकें, और राशि जैसे ही शासन से हमारे पास आएगी हम वो हितग्राहियों को जारी करेंगे और बहुत जल्दी सभी मकान पूरे हो जाएंगे।